स्वागत है आप सभी का सभी के पसंद रेडियो चैनल राय एजुकेशन में। उत्तर चारवर्ती कोर्ट अपडेट और भी कई ढेर सारी अपडेट को आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कवर करेंगे। आप सभी को आज के दिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो 68,500 भर्ती में एमआरसी मुद्दे को लागू करने के लिए भी सुनवाई चल रही है और 69,000 भर्ती में नहीं लागू करने के लिए भी सुनवाई चल रही थी। एक तथ्य को दो भर्तियों में अलग अलग तरीके से ट्रीट करने की बात की जा रही है। और इसके अलावा एल्टी ग्रेड भर्ती में आंसर शीट बदलने वाला गिरफ्तार है। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे और सकारात्मक एकजुटता की बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट सारी अपडेट को क्लियरिफाई कर लेते हैं। तो बात करें यहाँ पर तो 68,500 में एमआरसी लागू करवाने के लिए कोर्ट में, और जब सरकार ने 69,000 में लगा दिया तो उसे हटवाने के लिए भी कोर्ट में। तो ये दो तथ्य हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक बेस के बेसिस पे। तो 68,500 शिक्षक भर्ती में अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी में चयनित उन सहायक अध्यापकों को उनकी वरीयता के जिले आवंटित न करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना का नोटिस जारी किया है, जो मेरिट अधिक होने के कारण जनरल कैटेगरी में चले गए हैं। कोर्ट ने कहा कि 18 अगस्त तक आदेश का पालन नहीं होने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें कि क्यों न उनके खिलाफ माना की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने बादल मलिक व 11 अन की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता सीमान सिंह की ओर से सुनकर दिया है। याचिका ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट में जनरल कैटेगरी में उनका चयन हुआ है और वो हाई मेरिट के भर्ती हैं, इसी वजह से जनरल के बेसिस पे उनका चयन हुआ है, जनरल की कैटेगरी में उनका चयन हुआ है। तो उनको अपने ज़िले या अपने ज़िले के आसपास के ज़िले में, यानी कि डिस्टेंस के बेसिस पर, ज़्यादा दूर ज़िला जिनको आवंटित हो चुका है उसमें एमआरसी को लागू करने की बात की जा रही है। वहीं अगर बात करें 69,000 भर्ती में, तो 69,000 भर्ती में उन सभी अभ्यर्थी जो ओबीसी वर्ग के हैं चाहे एससी वर्ग के हैं, जो योग्य हैं और जिनकी मेरिट हाई है, जो जनरल कैटेगरी में जिनका चयन हुआ है, वो अपने गृह जनपद, मैक्सिमम लोग गृह जनपद या अपने आसपास के गृह जनपद न मिलने की स्थिति में, अपने आसपास के जनपदों में जिनका चयन हो चुका है, वो एमआरसी को हटाने की बात यहाँ पर उनके द्वारा तो नहीं हो रही है, लेकिन विपक्ष जो लोग हैं, विपक्ष का खेमा है किसी भी तरीके से भर्ती को जो लोग फंसाने के कार्य कर रहे हैं वो एमआरसी को हटाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि जब भी सुनवाइयाँ हुई हैं, चाहे सिंगल बेंच हो, डबल बेंच हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इवन हर जगह बात जब होती आई है तो हर जगह यही बात होती आई कि दोनों भर्तियाँ 137,000 पदों के सापेक्ष को दो बार में डिवाइड करके क्रियाकलाप को शुरू किया गया है और नियम कानून होता है जियो के आधार पर उन सभी चीज़ों पर। इसके अलावा विश्व शिक्षा मंत्री ने कई बार बयान में, और जो एक फुल प्रूफ बयान का जो आपने वीडियो देखा होगा चैनल पर, कई बार हमने बातचीत की उसमें उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा था कि कोर्ट माननीय कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा जो ऑर्डर आए हैं उन्हीं ऑर्डर के बेसिस पर सारी चीज़ें लागू की गई हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि एक भर्ती में एमआरसी को लागू करने की बात पर सुनवाई चल रही है और एक भर्ती में एमआरसी को नहीं लागू करने की बात पर सुनवाई चल रही है। इन सभी चीज़ों पर देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या स्पष्टीकरण मिलता है विभाग से और न्यायालय के द्वारा। अब नई शिक्षा नीति में यूपीटीटी के बारे में कई भर्ती लगातार कमेंट कर रहे थे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर, यूपीटीटी के संबंध में विस्तृत जानकारी यहाँ पर। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों यानी बुनियादी, प्रारंभिक और मिडिल और माध्यमिक के शिक्षकों को शामिल करते हुए भी टीटी का को विस्तृत किया जाएगा। यानी कि आप सभी ने देख लिया ना कि जो माध्यमिक बेसिस तक भी टीटी रोल प्ले किया जाएगा। जैसा मैंने शिक्षा नीति जो नई लागू की गई है, जो कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, हालांकि अभी लागू होने के बाद जब आएगी तो और भी कई चीज़ें आएंगी। इन सभी चीज़ों के बीच में अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि सर आपने एक बात यहाँ पर एक पॉइंट रखा था कि प्राइमरी में ये बात रखी जाएगी कि नहीं रखी जाएगी, या प्राइमरी में डेमो होगा, स्किल टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा प्राइमरी भर्तियों में। तो उस पर मैंने कई बात रखी है, कई बार बार ये हम लोगों ने रखी है, हमने कई बार विरोध किया हुआ है। जब एक बार मांगा गया था कि इतने से दो महीने के अंतर्गत सब लोग अपना सुझाव दें, तो भी हमारे चैनल ने आगे बढ़कर सारे काम किए थे। आप सभी की एकजुटता को अगर याद हो
तो हमने सभी पॉइंट पर विरोध किया था, मेल किया था, आप लोगों से मेल करवाया था, उसमें हम ही ने एक ही पॉइंट रखा था क्या कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इंटरव्यू समाप्त करना पड़ेगा, इंटरव्यू जो वाली प्रक्रिया है प्राइमरी से संभवतः इसको समाप्त कर दिया जाए ताकि जो फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचारिता वाला जो बीज उत्पन्न होता है, क्योंकि सरकारें परीक्षा विभाग या जो भी शिक्षा विभाग है वो सभी यही चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हर स्तर पर कम से कम शिक्षा से भ्रष्टाचारिता को समाप्त कर दिया जाए, तो उस स्तर पर हम लोग लगातार कार्य करते आए हैं। दूसरा पॉइंट हमारा यही था कि सरकारों का कोई भी हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप शिक्षा विभाग में ना हो, और वो भी नई शिक्षा नीति में बहुत खुलकर सामने आया है और उसमें एकदम स्पष्टीकरण है कि ज़्यादा सरकारों का और राजनीतिक हस्तक्षेप कम करने की कोशिश की जाएगी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है और हमने दो पॉइंट हम लोगों ने मिलकर, मेरा व्यक्तिगत कोई इसमें रोल नहीं है, अगर आपका साथ नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, हम सभी ने मिलकर ये काम किया था और ऐसा आपको देखने को मिलेगा जैसे लागू होता है। हाँ, तीसरा पॉइंट था कि लागू इस वर्ष से होगा कि अगले वर्ष से होगा। इस वर्ष में हर चीज़ें आप देख रहे हैं, हर सत्र लेट हो रहा है, इस वर्ष से अभी लागू होने की बात नहीं समझ में आ रही, संभवतः आपको 2021 वर्ष से, सन 2021 से आपको देखने को मिल जाए। हालांकि नई शिक्षा नीति 2019 से ही इस पर काम चल रहा है और संभावित है कि अभी कोई ना स्कूल खुल रहे हैं ना कॉलेजेस खुल रहे हैं, हर महाविद्यालय सब चीज़ें बंद हैं, हर चीज़ों पर एक्सटेंशन चल रहा है, तो शायद एक्सटेंशन के साथ ये संभावना प्रकट की जा सकती है इसको लागू किया जाए, या संभवतः नए शैक्षिक सत्र से 2021 से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्नों के जवाब थे आप लोगों के द्वारा। अगली अपडेट है एलटी ग्रेड के बारे में, काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी पूछ रहे थे। तो एलटी ग्रेड में देखिए नई अपडेट है कि अनुसूचित बदलने के मामले में एक गिरफ्तार किया गया। एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा में 30,000 रुपये में बिठाया था सॉल्वर, पुलिस तलाश में जुटी है और ऐसे पकड़ में आया था दोनों परीक्षार्थियों सूर्यबली जिनका रोल नंबर ये है और सूर्यभान इनका रोल नंबर, इनकी ओएमआर शीट पर ओएमआर अटेंडेंस शीट की जाँच में मिली थी गड़बड़ी और ओएमआर अटेंडेंस शीट पर दोनों के नाम के आगे एक दूसरे की प्रश्न पुस्तिका संख्या दर्ज की गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों को आयोग की व्यवस्था के मुताबिक नहीं मिली थी प्रश्न पुस्तिकाएं और दोनों ही ओएमआर आंसर शीट में रोल नंबर से संबंधित कॉलम में ओवरराइटिंग कर किया गया था संशोधन। दोनों अभ्यर्थियों की ओएमआर आंसर शीट व ओएमआर अटेंडेंस शीट में अंक 4 की लिखावट में भी मिला था अंतर। तो ये कई ढेर सारी चीज़ें हैं जहाँ पर फर्जीवाड़ा, तो इन्हीं सारी फर्जीवाड़ाओं को रोकने के लिए विभाग सरकार सभी लोग एकजुट हैं, लेकिन अब ऐसे ऐसे लोग हर जगह सेंधमारी की कोशिश करते हैं, इन्हीं को रोकना है हम लोगों को, जो भ्रष्ट अभ्यर्थी हैं, जो मतलब कह सकते हैं ना कि कैसे भी करके जुगाड़ की प्रवृत्ति को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए एक अब प्रश्न चिन्ह उठेगा आने वाले समय में, क्योंकि इतने फर्जीवाड़े निकल रहे हैं। और अगर आपको याद हो अनामिका वाला प्रकरण से ही ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा तेज तर्रार तरीके से आगे बढ़ रही हैं। विभाग के जितने भी अध्यापक हैं जो नियुक्त हैं या कई वर्षों से वो कार्यरत हैं, चाहे BTC के अभ्यर्थी हों, BEd के वो अध्यापक बन चुके हों, तो सबकी मार्कशीट की ऑनलाइन अपडेशन जो कार्य है वो चल रहा है, सब पर जांच चल रही है ताकि कोई जो एक भी फर्जी व्यक्ति, एक भी दीमक जो शिक्षा विभाग को खोखला कर रहा है, शिक्षा विभाग की नींव को खोखला कर रहा है, वो बचने न पाए। और योग्यता में अभ्यर्थी जो इतने वर्षों से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, वो उनकी जगह जहाँ है शिक्षा विभाग में, उनकी सीट जो है वो उनको मिल पाए। बरेली जनपद से रिलेटेड जो अभ्यर्थी हों जिन्होंने अपनी काउंसिलिंग कराई हो, तो अपना वो डिमांड ड्राफ्ट यानी जो उन्होंने DD दी अपनी और अपना डॉक्यूमेंट जाकर 3 संभवतः 4, 5, 6 और 7 अगस्त को अपने कार्यालय में कार्यावधि में उपस्थित होकर अपने मूल प्रमाण पत्र और बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर सकते हैं। मूल प्रमाण पत्र संबंधित अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य किसी को वापस नहीं किए जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। हर जिले का यही काम है, तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई अभ्यर्थी अपने अपने जिले का व्यक्तिगत पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उन सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि पार्टिकुलर अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का नंबर या आपके डाइट का नंबर, ठीक है, वहाँ पर आप संपर्क करके या वहाँ से जुड़ा कोई अभ्यर्थी हो उस पार्टिकुलर जिले से, तो उनसे आप बातचीत करके वहाँ का
पता कर सकते हैं कि कब वहाँ से वापसी हो रही है डॉक्यूमेंट्स की, वहाँ से आप संबंधित ले सकते हैं या कोई हो आपका जान पहचान का उससे बातचीत करा कर भी ले सकते हैं संभवतः, अगर ऐसा होता है तो ठीक है। बाकी व्यक्तिगत जिसका डॉक्यूमेंट रहेगा उसी को वापसी की जाएगी। तो ये आज की अपडेट है। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए, बाकी की कोर्ट अपडेट के लिए बने रहिए चैनल के साथ। सारी वीडियो के फॉर्म में या कम्युनिटी के सेक्शन में आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। बने रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।